पेपर रोज पढ़ते होंगे, कहीं चार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हुआ, चार खत्म हुए, कहीं दो हुए, कहीं 12, 14, 1। तो अगर देखा जाए तो इसमें हम सबको जागरूकता लाने की जरूरत है, हर व्यक्ति को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, जिससे इतने जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पे हम कंट्रोल कर सकें। ये सिर्फ पुलिस की बस की बात नहीं है कि पुलिस अकेले ही कंट्रोल करे। आपको लगता होगा कि ट्रैफिक का बंदा आपको चौराहे पर रोकता है, आपको लगता हो सकता है कि आप उसमें जल्दी में होंगे, कहीं ऐसी आवश्यकता आपको हो, लेकिन हमेशा नहीं होता कि आपको हमेशा आवश्यकता ही रहती है, लेकिन तब भी आप वहाँ एकदम जल्दबाजी में रूल्स तोड़ने के लिए राइट साइड निकलने का प्रयास करते हैं या लेफ्ट साइड निकलने का प्रयास करते हैं। हमें नहीं कहते हैं, 1% हो सकता है कि आपको उसमें जरूरत हो, कोई आपके यहाँ बीमार हो, कोई हॉस्पिटल में हो, या आपका बच्चा स्कूल में, उसको लेने के लिए आपको जाना हो, बाहर खड़ा हो, लेकिन सबको नहीं होता है ना। और उसका परिणाम ये होता है कि उस चौराहे में पूरा जाम हो जाता है। जितना आप जल्दी करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें जब तक आपका सहयोग, अपने जो शहर के सम्राट नागरिक हैं उनका सहयोग नहीं होगा, उनके द्वारा बताया नहीं जाएगा, अपने बच्चों को नहीं बताया जाएगा, तब तक एक्सीडेंट्स पे कंट्रोल करना मतलब आप समझिए काफी कठिन काम है। प्रयास हो रहा है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कभी सोच के आप देखिए कि सबके चलाएंगे, पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसको दी जाएंगे। और इस संबंध में हमारा एक महीने का प्रोग्राम था, उसमें हमने कई कार्यक्रम भी कराए, कई कैंप लगे, कई विद्यालयों में लोग गए और मेडिकल कैंप भी लगाया गया। तात्पर्य सिर्फ ये था कि हम सभी लोग सड़क पर ही चलते हैं, तो सड़क पर जो रूल्स हैं, जो रोड सेफ्टी है, उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है